Hi everyone, I'm Anchor Sonam and today I'm here with a new vlog and yes, it's about Chowki Dhani, the ethnic village. I'm so excited about it. As I'm not alone here, I'm here with my mom. So get ready for the Rajasthani vibes and Tri-City itself. Mummy, dekho aage Chowki Dhani. So Chowki Dhani is located near Amravati enclave in Panchkula, which comes in Tri-City. Now let me show you how we were welcomed here. This is the grand reception area of Chowki Dhani and I think it's beautiful and it truly has that ethnic vibe as it says. Now this is all about what Chowki Dhani has for us in the store. So there are a variety of things which I'm going to show you. यहाँ पर सभी members COVID safety rules भी follow कर रहे थे। मम्मी देखो। इतने बाजू में चीनी चटनी। निकाल लो क्या? निकाल लो, mask निकाल लो अब। थोड़ी देर के लिए निकालना पर। तो ये रहा मंदिर। मम्मी जाओ मंदिर वाओ आप। ले रही हूँ। ये नया बना है हल्दी घाटी बैटल एंड यहाँ पे लोग क्लिक करवा रहे हैं खूब सारी पिक्चर्स घास की रोटी. अब इसकी डिटेल्स तो गाइस आपको मैं ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ, ये आपको यहीं आके पढ़नी पड़ेगी. घास की रोटी खानी पड़ी थी इन लोगों को. इमेजिन के यहाँ कुछ साधु संत की आई थिंक जो पढ़ाई है हमारी वैदिक पढ़ाई और हवन चल रहे हैं यहाँ पे. दिस इज सो नाइस. मम्मी देखो सब आपके स्वागत में खड़ी है. प्यारी हमारी वेलकम ड्रिंक एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग वेलकम ड्रिंक ले रहे हैं. सो क्या क्या मिल रहा है हमें वेलकम ड्रिंक में? जलजीरा. जलजीरा ऐसे दिखाओ. ओके सो ये हमें वेलकम ड्रिंक मिल रही है जलजीरा की एंड ये स्वीट एंड सॉल्टी है टेस्ट में. यहाँ फोन लेकर आई है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लोग कंटेंट बनाने ज्यादा आए हैं. यहाँ पे बैठक बनाई है इन्होंने बहुत ही बढ़िया और यहाँ पे ये ट्री हाउस टाइप बना और ये बड़ा ही प्यारा है. Just have a look at this. This is so cute. And पीछे लिखा है कठपुतली का नाच और मेहंदी. मेहंदी भी लग सकती है. ये मेरी मम्मी बैठी है. This is my mom जो बैठी है यहाँ पे. मामा मम्मी देखो स्माइल. आपकी फोटो क्लिक करती हूँ. है कड़ी कचौड़ी और ये है राजस्थान का फेमस कठपुतली नाच जिसे हम पपेट शो भी कहते हैं. इट वाज वेरी अमेजिंग. जाने लगे हैं कला ग्राम.
ब्यूटीफुल मैन, यहाँ से पहाड़ का व्यू भी है। कलाग्राम हम देख सकते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट ही रहता है। यहाँ पे कलरफुल दुपट्टे मिल रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स मिल रहे थे, बिंदी मिल रही थी, बैंगल्स मिल रहे थे, ज्वेलरी मिल रही थी। मैंने यहाँ से ज्वेलरी खरीदी, यानी कि इयररिंग्स और नेकलेसेस खरीदे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में मिले, बाहर की कंपेरेटिवली मुझे बहुत सही लगे। एंड मैंने मामा को यहाँ पर राइड दिलाई एंड मामा ने भी खूब इन्जॉय किया। बहुत ही बड़ा ग्राउंड था यहाँ पर एंड अलग अलग तरह की राइड थी, जैसे कि कैमल राइड थी, साथ में कोलंबस था, जो मेले में कोई झूले लगे होते हैं वो सारा कुछ था यहाँ पे। इसके चार्जेस अलग एप्लीकेबल होते हैं, आपके टिकट से अलग होते हैं, बट दे आर वेरी रीजनेबल एंड वर्थ इट। मम्मी बाय बाय। तो यहाँ पे राजस्थान का लोग गीत गा रहे हैं विद हारमोनियम एंड ढोलकी, एंड ये बच्चा डांस करता है यूजुअली, एंड ये हमें भी उठाएगा अभी डांस के लिए, आप देखना। एंड आई एंजॉयड अ लॉट हियर, सो जस्ट चेक आउट। एंड यस, यहाँ पे ये प्यारा सा झूला भी था। सो मेरी मम्मी को बचपन की यादें वापस जीनी थी, तो हम झूले पे भी बैठे थे। सो ये बन रही है बाजरे की रोटी, एंड ये हमें मिलेगी लहसुन की चटनी के साथ। आई गेस दिस इज बाजरे की रोटी एंड इसमें जाएगा मक्खन। लहसुन की चटनी और मक्खन के साथ मिलती है बाजरे की रोटी, है ना। तो दिस इज बाजरे की रोटी विद मक्खन एंड लहसुन की चटनी। एंड मम्मी कैसी लग रही है आपको ये? आपके गांव में भी मिलती है ना? अभी बनती है, मैं खा के आई। बाजरे की रोटी, हरा साग, मक्की की रोटी। वाह, मसूरी में नहीं बनती अपने घर मक्की की रोटी? अभी सपुन सर दी बाजरे की रोटी लहसुन की चटनी तो बहुत ही बढ़िया लगती है मेरे को। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट आई थिंक इट्स कॉल्ड कबीला डांस। एंड यहाँ पे ये गर्ल्स अलग अलग स्टंट्स करती हैं डांस करते वक्त, एंड रियली इट्स ऑ स्ट्रकिंग, मतलब बहुत ही डेंजरस स्टंट्स ये करती हैं। एंड आई मस्ट से दे आर सुपर टैलेंटेड एंड दे वर ट्रूली अप्रिशिएटेड बाई एवरी वन। आप आगे देखेंगे ये बहुत अलग अलग स्टंट्स करती हैं। यार ये तो चुपता होगा। एंड मे बी यू डोंट नो बट मैं डांस की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, तो यहाँ भी मैंने खूब सारा डांस किया इनके साथ एंड बहुत मजा आया, ट्रस्ट मी। ओके, सो नेक्स्ट वॉज मैजिक शो। एंड कहने को तो मैजिक शो है बट इट वॉजेंट अ मैजिक शो, बिकॉज दिस गाय हिमसेल्फ वॉज सेइंग कि ये जादू नहीं कलाकारी है। इनडीड ही वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड बहुत ही अच्छी ट्रिक्स दिखाई इसने हमें। आप मैं आपको आगे दिखाती हूँ। Now these are some extra highlights of Chowki Dhani। इसके बाद आपको बूफे भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको राजस्थानी क्विजीन मिलता है, जैसे कि गट्टे की सब्जी, दाल बाटी, चूरमा, रोटी एंड ऑल दैट थिंग्स। बट उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई अनफॉर्चुनेटली, बट ओवरऑल द फूड वॉज वेरी एवरेज। हाउएवर अकॉर्डिंग टू मी चौकी धानी घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है विद फैमिली, इट्स अ वेरी फैमिली वाइब काइंड ऑफ प्लेस, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन फूड इज़ वेरी एवरेज हियर।
So this was my Chowkidhani vlog, guys. I hope you all like it. Please do comment your views and lots of love from me and my mom. Bye bye. Take care. Thanks for watching.